मेरे ना तीन इवेंट है, ये आपने इनडायरेक्टली देखा हुआ है, लेकिन हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन जैसा पूछा गया वैसे देखते हैं। डॉलर एमिट, डॉलर ब्रॉडकास्ट और डॉलर ऑन। ओके, तो ये क्या डॉलर ऑन आपने कभी देख, याद है आपको कहीं आपने यूज किया है? मैंने देखा है डॉलर ऑन जनरली जिसको इनिशिएट करना है कोई जो मॉडल है और कोई सर्विसेज है उसको, अगर जैसे लोड होता है तो कौन सी चीजें फर्स्ट प्रायोरिटी पे लोड करना है, ऐसा तो इसके लिए मैंने देखा है, इस कोड में देखा है। नहीं ऐसा नहीं है, डॉलर ऑन हमने कब यूज किया, दिस इज व्हाट, दिस इज द इवेंट्स। ओके, मैंने आपको डॉलर ऑन किस एग्जांपल ने बताया, एग्जांपल नंबर 26 में, ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। कॉन्फिग में फिर से ओपन करता हूँ एंड हम लोग फिर से इसका एग्जांपल देख रहे हैं और ट्राई करेंगे समझने का कि मेरे को क्या करना है। यहाँ पे डॉलर ऑन मैंने दिखा था, डॉलर रूट्स को डॉट डॉलर ऑन, ये क्या था मेरा कि ना, जब मैंने क्या बताया, ये मेरा क्या होता है ना कि ना, हम एंगुलर ने क्या किया है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग भी एंगुलर में एग्जिस्ट करती है। क्या है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, क्या बोलते हैं इसको, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। मतलब क्या होता है ना कि आप है ना अपने खुद के भी इवेंट बना सकते हो। आपको सपोज ये करना है कि मेरा एक चाइल्ड है, ओके, चाइल्ड एलिमेंट है, वो है ना, आपने अभी ये देखो स्ट्रक्चर ध्यान से सोचो, इसको वर्चुअल विजुलाइज करो कि आपका एक है ना पूरा पेज है, उसके ऊपर आपके 10 कंपोनेंट है, ठीक है ना। उस 10 कंपोनेंट में मेरा सपोज एक कंपोनेंट है जिसमें आप है ना प्राइस को चेंज कर रहे हो, और जैसे ही मेरा प्राइस चेंज हो वो मेरा है ना किसी तीसरे कंपोनेंट में प्राइस दिखना चाहिए, और ऑन चेंज आपको कुछ ना कुछ तीसरे कोई कंपोनेंट है उसमें करना चाहिए। तो आपके पास क्या ऑप्शन है, थिंक अबाउट दैट, एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट है, यहाँ पे अगर कुछ चेंज हो रहा है तो मेरे को यहाँ पे कोई फंक्शनलिटी अचीव करना है, तो क्या ऑप्शन है? अगर ये पेरेंट चाइल्ड में तो उनको पता है कि बाइंडिंग से कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरा बाइंडिंग नहीं है तो क्या करोगे? तो उसके लिए ना देर आर ऑप्शन टू ब्रॉडकास्ट एंड डॉलर एमिट। ओके, और उस इवेंट को कैच करने के लिए मेरे पास ऑप्शन है डॉलर ऑन। डॉलर ऑन इज ऑलवेज फ्री फॉर कैच, जहां पे आपको इंप्लीमेंट करना है, और एक प्रोजेक्ट एक रहेगा जो ब्रॉडकास्ट करेगा और दूसरी जगह पे मैं उसको कैच कर लूंगा, ठीक है ना। तो ये कैच मतलब उसको हैंडल कर लूंगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल बनाने बैठेंगे ना तो सारे एग्जांपल होंगे नहीं, लेकिन मैं फिर भी एक छोटा सा ट्राई करता हूँ। एंगुलर जेएस का क्लास नहीं, एंगुलर जेएस का मतलब ये नहीं है, एक्सेप्शन हैंडलिंग में जैसे यूज करते हैं ट्राई और कैच जो रहता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बना के दिखाता हूँ, ठीक है ना। एग्जिस्टिंग टाइप करने बैठेंगे ना तो एक्चुअली टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करता हूँ एक छोटा सा फटाफट एग्जांपल बनाने का। ओके, नहीं नहीं अभी मेरा वो जो पुराना लैपटॉप था वो ये हो गया ना रे फॉर्मेट, तो उसके कारण यहाँ पे सारे एग्जांपल है नहीं। ओपन वेबसाइट, ओके, मैं लेकिन एग्जिस्टिंग एक अपने कर्ल्ड ऑपरेशन बनाया हुआ राइट, इस प्रोजेक्ट को ओपन करना और इसमें हम लोग ब्रॉडकास्ट और इसको देखने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे रन कैसा हो रहा है पहले हम लोग देखते हैं, और मैं कॉन्फिग डॉट रन, मैंने ये बताया आपको, आपको पता है याद है कॉन्फिग क्या होता है, मैंने आपको सीक्वेंस बताया था। ऐप में सबसे पहले क्या होता है मॉड्यूल, उसके बाद क्या होता है कॉन्फिग, उसके बाद रन, ये तीन फंक्शन होते हैं। कॉन्फिग में हम लोग कॉन्फिग्रेशन कर सकते हैं, जैसे हमको कॉन्स्टेंट डिफाइंड करना है या फिर मेरे को प्रोवाइडर में हमको राउटिंग डिफाइंड करना है, वो हम लोग कहाँ करते हैं कॉन्फिग फंक्शन के अंदर। और रन इसके बाद फंक्शन कॉल होता है जो हमारा है ना, हम लोग उसमें अगर एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें रन एक बार कॉन्फिग्रेशन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी हमको ऐड करनी है तो हम कर सकते हैं एंगुलर में, कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल वगैरह हमको ऐड करना है तो, ठीक है ना। ये मेरा पेज दिख रहा है, सपोज ये मेरे दो अलग अलग हैं, यहाँ पे मैं सेव बटन पे क्लिक करता हूँ ना तो यहाँ पे मेरा है ना कुछ स्पेशल दिखना चाहिए। ये मेरे दो इवेंट है, ये इवेंट कौन सा है, ये मेरा कौन सा है। ऐप में अगर मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं देखूंगा तो मेरा ये मेनू करके इसने बनाया था, एम्प्लॉय कंपोनेंट्स में जाता हूँ, एम्प्लॉय डिटेल वाला कंपोनेंट है ना,
एम्प्लॉय डिटेल्स डायरेक्टिव से, ओके मेरा एम्प्लॉय डिटेल डायरेक्टिव से, जहाँ पे मेरा ये टी एच टी आर में शायद नहीं, ये डिटेल है, ये वाला नहीं, मेनू करके था इसका, ये जो नीचे का ये जो दिख रहा है ना, ये मेरा मेनू है, ये जो ये दिख रहा है ना, ये बना भी गलत है, यहाँ पे मेरा मेनू है, ठीक है ना, ये अलग कंपोनेंट मेनू है, जहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो मेरे को क्या करना है, एक ही इसमें बना के रखा है यार, ये प्रॉपर नहीं बना है, नहीं ये हमने, ये इसने जो बनाया था ना शशांक ने, ये वो है क्लोज सॉल्यूशन, हाँ तो इनकी बैच में उसने फिर से किया था, सुना है इनकी बैच में उससे, हाँ तू पण येऊ शकत होता, इस फोल्डर को ओपन करता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पे मैं एग्जांपल 26 से इसमें आपको दिखाता हूँ, ये एग्जांपल में ये पुराना तरीका है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को एग्जांपल नंबर 26 में जाता हूँ और इसको पहले हम लोग रन करते हैं, सेट एज स्टार्टअप पेज, डे 3 वाले मुझे बनाना था, ठीक है मैं अभी इसको रन करता हूँ, और अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इवेंट एमिटर कैसे काम करेगा ना, ये अभी हम लोग बन देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, डायरेक्टरी वाले में वो वाला एग्जांपल था कि लॉगिन वाला एक था, लॉगिन वाले में फंक्शनलिटी कैसे होम वाले में ट्रांसफर कर देते हो, हाँ तो उसमें भी होगा, लेकिन मैं यहाँ पे, हाँ बाइंडिंग हम लोग यहाँ पे भी ट्राई करते हैं अभी, ठीक है ना, एक बार रनिंग हो जाए जो हमारा फ्लो दिख जाए हम लोग उसके बेस पे भी बनाएंगे, डॉलर एमिट डॉलर ये ब्रॉडकास्ट, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे अभी, तो हमारा इसमें होता क्या है ना, अरे यहाँ पे भी देख, यही वाला चीज कॉपी पेस्ट कर लो क्या, ये अलग कॉपी पेस्ट कर लो, ये भी कर सकते हैं हम लोग, ये लिंक मेरे पास है, सेव करके, हाँ ठीक है चलेगा, तो अभी इस पे ही दिखा देता हूँ, चलो नया बनाने की वजह, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एक एनजी कंट्रोलर है, इसका प्लंकर है क्या, रनिंग में दिखेगा तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि कहाँ है, लेट इट बी, देखो यहाँ पे उनने क्या किया है, डॉलर स्कोप में मैंने क्या किया, डॉलर ब्रॉडकास्ट किया, ठीक है ना, ये एक यहाँ पे क्या, एक कंट्रोलर बनाया मैंने, फर्स्ट कंट्रोलर, ओके, और उसमें मैंने ब्रॉडकास्ट किया, और उसको मैंने कैच कहाँ किया, सेकेंड कंट्रोलर में, कैच करने का तरीका क्या है, डॉलर ऑन, तो इसमें मैं यहाँ पे मैं कुछ कर रहा हूँ, और वो मेरे दूसरे कंट्रोलर में मेरे को उसकी वैल्यू मिल रही है, इवेंट ऑटोमेटिकली फायर हो रहा है मेरा वो, तो अगर मेरे किसी भी कंट्रोलर से आपने डॉलर ब्रॉडकास्ट इवेंट किया और यहाँ पे आप उसको कैच कर लोगे ना, तो वो फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ओके ये मेरा हुआ ब्रॉडकास्ट, ओके और इवेंट एमिटर क्या होता है, इवेंट एमिटर इज ऑलवेज बी वर्क, ये तो इवेंट एमिटर ऑलवेज बी वर्क ऑन माई पेरेंट ओनली, ओके ये मेरा फर्स्ट है और ये सेकेंड है, तो मेरा यहाँ पे इवेंट एमिटर क्या कर रहा है मेरा, इवेंट एमिटर मेरा, ये इवेंट एमिटर में भी हमारा सेम ही चीजें होती हैं, तो मैं यहाँ से इवेंट को मैं एमिट कर रहा हूँ और वो मेरे फर्स्ट कंट्रोलर में ऑटोमेटिकली वो उसको कैच कर लेगा, लेकिन इवेंट एमिटर का जो ये रहता है स्कोप क्या रहता है, पेरेंट चाइल्ड, इवेंट एमिटर का स्कोप क्या रहता है, पेरेंट चाइल्ड, और ब्रॉडकास्ट का स्कोप क्या रहता है, टू इंडिविजुअल, तो यहाँ पे अगर ये देखोगे ना, ये मेरा क्या है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, तो एक काम करता हूँ, इसी एग्जांपल को मैंने एक एचटीएमएल में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, एंड हम लोग रन, वी विल रन दैट एग्जांपल, तो आपको समझ में आएगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बोलता है और एक क्या बोलता है मेरा, एड न्यू एचटीएमएल, और इसका नाम देता हूँ एमिट, ठीक है ना, इसका यूज क्यों करेंगे इवेंट एमिटर का, मेरा यहाँ पे कोई फंक्शन है जिसको मेरे को वहां पे एग्जीक्यूट करना है,
मतलब मेरे इस कंपोनेंट में कुछ बटन क्लिक हुआ तो मेरे को उधर क्या करना है, उधर कोई काम करना है, तो मैं क्या करूंगा, इवेंट एमिटर यूज करूंगा। मतलब पेरेंट में कुछ डेटा पास करना है तो इवेंट एमिटर, लेकिन ब्रॉडकास्ट मेरे को किसी तीसरे ही कंपोनेंट में डेटा पास करना है तो मैं ये जो ब्रॉडकास्टिंग जो है वो मीटिंग कंट्रोल होगा। हाँ, मैं यहाँ पे एक और पेज बना लेता हूँ, दोनों पेज को आपको रन करके दिखाता हूँ, HTML पेज। और ये विदिन कंट्रोलर नहीं, मल्टीपल कंट्रोलर, कहाँ पे भी कुछ भी हो उसकी कोई पेरेंट हायरार्की वगैरह से कोई रिलेशन नहीं है, तो हमारा कंट्रोलर का दूसरे दो या तीन से ज्यादा कंट्रोलर में उसका यूज कर सकते हैं। और अभी रन करके देखेंगे ना तो और समझ में आ जाएगा। मैं इसको कॉपी पेस्ट करके बना लेता हूँ और उनका फिर एग्जांपल हम लोग रन करते हैं, ठीक है ना। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ओके, कंट्रोल एस। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एंगुलर जेस की जो लाइब्रेरी है उसका जो पाथ है वो मैं यहाँ से कट करके उठा लेता हूँ, एंगुलर एंगुलर जेस का पाथ कहाँ दिख रहा है इसमें, लिंक है STI, स्क्रिप्ट होगी ना एंगुलर जेस की, ठीक है ना। मेरी 1.3 है वो भी चलेगा, ओके। कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट की जगह मैं यहाँ पे एंगुलर की स्क्रिप्ट रख देता हूँ, ठीक है ना। कंट्रोल एस, और ब्रॉडकास्ट में भी रख दी और मेरा एमिट में भी रख देता हूँ। दोनों में अभी डिफरेंट समझना, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पे जाऊंगा रनिंग में और यहाँ पे मैं इसकी बजाय एग्जांपल HTML पेज अंडरस्कोर emit.html, ओके। ये मेरा पेज बना है, ये मेरा चाइल्ड कंट्रोलर है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डाटा डाला और मेरे को AAD, ओके, इंस्पेक्ट एलिमेंट, कुछ तो भी इशू है इनके कोड में, कंसोल, ओके। यहाँ पेरेंट में अभी देखें कोड में इनका कुछ तो भी इशू होगा, ये मेरा एमिट है ना, लेकिन $scope.message में मेरे को पेरेंट में दिखना चाहिए था ना वो मैसेज, और उनने यहाँ पे क्या किया है, ओके, मैसेज में यहाँ पे प्रिंट ही नहीं किया, MESSAGE। मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है, चाइल्ड कंपोनेंट से मेरे को पेरेंट में कोई डेटा पास करना है, सिर्फ किस में, पेरेंट में, तो मैंने क्या यूज किया, एमिट, ठीक है ना। चाइल्ड से पेरेंट में आप कैसे डेटा पास करोगे, देर आर टू वेज टू यूज इट, एक है मेरा $emit, दूसरा बाइंडिंग, ओके। तो बाइंडिंग तो आपने देखा ही है ना, एंड लगा के करते हैं, ओके। तो यहाँ पे मेरा क्या था, पेरेंट में पास करने के लिए हम लोग क्या यूज किया उनने, $emit, ये सिर्फ अपने पेरेंट को ही डेटा पास कर सकता है, ओके। लेकिन एक और याद रखना, एमिटर में कभी भी आप है ना डायरेक्टली ये पास नहीं कर सकते थे। मैंने आपको एमिट जब बता, आपको याद है एमिट के बताया था मैंने, बाइंडिंग बताया था, उसमें मैंने बताया था कि आपको ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है और यू कैन नॉट पास द डायरेक्ट वैल्यू, राइट है। वो याद रखना, ये ब्रॉडकास्ट और एमिट में यूज होता है और ये ट्रिकी क्वेश्चंस में आता है एंगुलर के, वो पूछेंगे मेरे को एक स्ट्रिंग पास करनी तो कैसे करोगे, डायरेक्टली आप यहाँ पे स्ट्रिंग पास करोगे एमिट की, जैसे मैसेज एक स्ट्रिंग है ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैसेज पास करूंगा कि मैं उसको एक ऑब्जेक्ट में लेके करूंगा, तो हमेशा एक ऑब्जेक्ट में लेके करेंगे, ठीक है ना। ये ऐसे ही पास होगा, ये स्ट्रिंग है MSG, मेरे को पास करने, टेक्निकली तो मैं ऐसे पास कर सकता था, राइट, लेकिन ऐसा कभी भी पास नहीं होता। वो पास कैसे होता है, हमेशा ऐसे होता है, ओके। और यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट्स में, मतलब एक्चुअली ये मैसेज में ऐसे पास कर सकता हूँ ना, ऐसे नहीं कर सकते आप, राउट उसको हमेशा किसी ऑब्जेक्ट के अंदर में ही रख के कर सकते। ये ऑब्जेक्ट हुआ ना, ये कर्ली ब्रेस ऑब्जेक्ट हुआ और मैसेज उसकी प्रॉपर्टी हुई, और ये जब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स आएगा तो उसने मल्टीपल जितने भी, यहाँ पे comma 1 भी डाल देता हूँ, comma ID colon 1 हार्ड कोडेड डाल रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्लस
जो भी मैसेज पास करूंगा उसमें डॉट आईडी। और यहाँ पे मैसेज क्या हुआ? डॉट आईडी मैसेज क्या हुआ जो इस फंक्शन ने पास किया है मैसेज, तो मैसेज उसने टेक्स्ट की वैल्यू पास की होगी, ठीक है ना। तो ये मैसेज मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, मैसेज में वो स्ट्रिंग मिलेगी और एक नया प्रॉपर्टी आईडी जो मेरा यहाँ पे किया। तो मैं एमिट को अगर रिफ्रेश करूंगा तो अभी क्या आएगा यहाँ पे, अगर मैं अभय लिखता हूँ तो वहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, अभय वन, क्योंकि मैंने दोनों। लेकिन तरीका क्या है, हमेशा ऑब्जेक्ट याद रखना, बाइंड कर्ली ब्रेस से, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट में। ऑब्जेक्ट में डाल के ही आप पास कर सकते हो। सर आपको आ रहा है ना, राहुल आ रहा है ना, ये याद रखना, डायरेक्टली नेटिव टाइप नहीं पास होता, प्रिमिटिव टाइप डेटा नहीं पास हो सकते, याद रखना। अगर मैं यहाँ पे मैसेज एमएसजी पास करता, ठीक है ना, ठीक है ना, मैं सिर्फ एमएसजी लिखता और मैं यहाँ पे डिबगर लगा देता हूँ तो जल्दी समझ में आएगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे एमएसजी पास करता और रीलोड करता हूँ, ठीक है ना, और मैं यहाँ पे बटन यहाँ पे अभय लिखा, तो मैं यहाँ पे अगर रीलोड कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स में देखो क्या आता है, एक सेकंड, इवेंट एमिटर, नहीं नहीं नीचे का वो तो उसने लिया होगा, एक सेकंड मेरे को देखने थे। यहाँ पे मैंने एमिट किया एमएसजी, तो यहाँ पे अगर मैं, तो ठीक है, यहाँ पे जो इवेंट एमिटर के साथ ले सकता है लेकिन बाइंडिंग के साथ नहीं ले सकता, एक बार और ट्राई करके देख लेना। हाँ, नहीं नहीं नॉट ए नंबर तो इसलिए आया क्योंकि हमने जब ये ऐड किया है तो वहाँ पे हमने डॉट मैसेज लगाया। अगर मैं इसको कमेंट करके ये लिख देता, लेकिन यहाँ पे ये आ रहा है। जनरली मैं जितना मेरे को इवेंट एमिटर का ध्यान था उसमें नहीं आना चाहिए था, बट आ रहा है, तो ये याद रख लेना मेरे लिए भी। ये फिर ये हो गया तो मेरा अभी आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जनरली तरीका हम लोग जब यूज करते हैं ना वो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही करते हैं। इसका एक और तरीका है कि आप है ना कंपोनेंट बनाओ और कंपोनेंट में एंड या डायरेक्टिव में एंड लगा दो, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग सब वो नहीं नहीं ये तो अभी क्या हुआ, इवेंट एमिटर, ठीक है ना, इवेंट अभी ब्रॉडकास्ट भी तो देख लो। सपोज ये जो ये कंट्रोलर जो है ना, ये फर्स्ट कंट्रोलर इसका चाइल्ड नहीं होता और मेरा ये यहाँ पे होता कंट्रोल वी कंट्रोलर्स, ये भी चाइल्ड बना था ना, चाइल्ड कंट्रोलर था ना। लेट्स सी दैट अभी ये रन होता है कि नहीं। सेम कोड है, मैंने सिर्फ उसको है ना यहाँ पे हटा दिया। यहाँ पे क्या आया, उसको मिला ही नहीं, क्यों, क्योंकि है ना इवेंट एमिटर की क्या खास बात है, पेरेंट चाइल्ड। अब अगर मेरे को इसको है ना दूसरे वाले में लिखना है तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, डॉलर बी आर ओ ए डी ब्रॉड एंड सी ए एस टी ब्रॉडकास्ट, ठीक है ना, स्पेलिंग सही है ना, सी छोटा है, ठीक है ना, ब्रॉडकास्ट, लेट्स सी दैट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अभय लिखता हूँ तो लेट्स सी दैट आता है क्या, तो मेरा अभी क्यों नहीं आ रहा, मैंने यहाँ पे डिबग लगा हटाया है क्या, यहाँ पे ए बी एच ए वाई उसने यहाँ पे कॉल ही नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना सेम टू सेम रखा था, कुछ डबल नहीं है, नहीं क्या जावा स्क्रिप्ट एरर कहाँ है। मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ एम डबल एस ए जी कॉलन एम एस जी, ओके, और ये बंद कर देता हूँ, ठीक है ना, लेट सी नाउ, ओके। यहाँ पे मैं क्या यूज किया, एस डी अरे डीबगर तो आना चाहिए ना, अब यहाँ पे इवेंट नेम आना चाहिए ना यहाँ पे, ओके हाँ, वेट माय बैड। जब मेरे को है ना ये करना है, क्या नाम है, ब्रॉडकास्ट करना है ना,
हाउ वी डू दैट, वेट, हम लोग को अगर ब्रॉडकास्ट करना है तो हमको इसके लिए ना इवेंट एमिटर को मैंने ब्रॉडकास्ट किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने इससे नहीं करूँगा ब्रॉडकास्ट करने के लिए। ब्रॉडकास्ट एक और चीज़ होता है कि वो है ना अपने चाइल्ड स्कोप के स्कोप में ही अवेलेबल रहता है। दूसरा एक और चीज होता है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे मेरे को ब्रॉडकास्ट करना है तो हमेशा ROOT SCOPE स्कोप, इस एग्जांपल में उन्होंने नहीं दिया है, मैं यहाँ पे रूट स्कोप में जाऊँगा और मैं इसको ब्रॉडकास्ट करता हूँ रूट स्कोप को और यहाँ पे रूट स्कोप से ऑन करता हूँ, ठीक है ना। लेट सी दैट रूट स्कोप की स्पेलिंग आई होप सही है। तो मेरा रनिंग एग्जाम्पल का है ब्रॉडकास्टिंग, रिफ्रेश, ओके। जैसे ही मैं यहाँ पे SS डालूंगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट, जावा स्क्रिप्ट का ही कुछ एरर आ गया है अभी, क्या बोल रहा है वो, रूट स्कोप ROOT। परफेक्टली फाइंड किया तूने, डॉलर रूट स्कोप इंजेक्ट करना पड़ेगा हमको यहाँ पे भी। नाउ अगर ये रूट स्कोप का ये स्पेलिंग सही है, ओके परफेक्ट है, ओके तो अभी क्या होगा मेरा, आ गया। और ब्रॉडकास्ट में चूंकि मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैसेज करली ब्रेस में पास किया था, अब मैं मैसेज करता हूँ, डॉट मैसेज लगाऊंगा तो मेरा पूरा आ जाएगा, ठीक है ना। रीलोड, ओके, और यहाँ पे देखें ASS, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स में क्या ASS आ गया, ठीक है। ब्रॉडकास्ट और ब्रॉडकास्ट जनरली हम लोग डॉलर रूट स्कोप से यूज करेंगे, जो हमारे को क्या करेगा हर जगह कंट्रोलर्स में देख देगा, और हमारे जितने, या इसको बोल सकते हैं ब्रॉडकास्ट इज थ्रो टू योर ऑल चाइल्ड्स एंड इवेंट पैरामीटर इज द एग्जैक्ट पेरेंट, ठीक है ना। और डॉलर ऑन किसके लिए होता है, कैच करने के लिए, कैच करने, हाँ कैच करने के लिए ही होता है, राइट है। इवेंट इस कंसेप्ट को एक इवेंट फायर डॉलर ब्रॉडकास्ट या डॉलर एमिट से होता है, और डॉलर ऑन कैच करने के लिए होता है। इसको एक और चीज बोलते हैं पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल, एक पैटर्न होता है इसका। अगर और डिटेल में अगर आप जाओगे, अगर आपको और अगर आपने ये बता दिया तो वो पूछेगा, इसको एक और तरीके से बोल पूछ सकते हैं कि अगर मेरे को पब्लिशर सब्सक्राइबर यूज करना है, ये एक है ना पैटर्न है, पब्लिशर सब्सक्राइबर पैटर्न, ठीक है ना। तो हाउ आई विल यूज दिस इन द एंगुलर जेस, तो सेम आंसर है। तो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट और डॉलर एमिट कौन है, पब्लिशर है जो पब्लिश कर रहे हैं, और सब्सक्राइबर कौन है, डॉलर ऑन, तो जहां पे जिसने भी पब्लिश किया उसको आपने कैच कर लिया। तो ये पब्लिशर और सब्सक्राइबर इसका एक और नाम है, मतलब इंटरव्यू क्वेश्चन के सबसे ट्रिकी ये हो गया नाम याद रखना, पैटर्न होता है पब्लिशर सब्सक्राइबर पैटर्न एंगुलर में कहा यूज होता है। इस तरह का बहुत बार होता है कि एक ही आंसर होता है दूसरे का, वो उसी को फिर घुमा कर दूसरा प्रश्न पूछते हैं जबकि आंसर वही रहेगा, ठीक है। आपको आया ना पब्लिशर सब्सक्राइबर का कंसेप्ट पता है आपको, एक बंदा भेजता है और एक दूसरा कैच कर लेता है, ठीक है ना। हाँ, इसको जो भी आपको प्रॉपर्टी पास करेंगे पैरामीटर, ठीक है ना। और यहाँ पे इवेंट में क्या मिलता है मेरे को, मैं एक बार और बटन दबा दूँ, इवेंट में मेरा कौन क्या होगा कि मेरा जो भी करंट स्कोप है, यहाँ पे इतना सारे मेरे को यहाँ पे चीजें मिल जाती है, टारगेट स्कोप मतलब जो मेरा करंट स्कोप था मेरा वो मिल जाएगा, और टारगेट स्कोप कौन सा था ये मिल जाता है मेरे को। लेकिन इवेंट हमको चाहिए तो लो, वरना नहीं चाहिए तो मतलब वो भी चले, लिखना जरूरी है, नहीं लिखना जरूरी है, आप इवेंट हटा भी सकते हो। ठीक है ना, ब्रॉडकास्ट और ये समझना है, इमेट पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल समझना है। अभी आपको यही देखना है कि मेरा सर्व, इनका एक और क्वेश्चन है सर्विस कहाँ यूज करते हैं और फैक्ट्री कहाँ यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, मेरा सर्विस फैक्ट्री का एक एग्जांपल मेरे को नंबर है, एग्जांपल 31 में मैंने शायद सर्विसेज बनाई है,
31 नहीं 34 यहाँ पे बनाई है क्या? ये भी नहीं सर 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 कैटरी हम भी जाएंगे उसमें डाउट नहीं होगा और नहीं भी होगा मिले हाँ वहाँ से उठा लेते हैं ठीक है ना अभी है ना गूगल पे जाता हूँ साइड पे मारूं सर कहाँ होता है ऊपर जाएंगे सर अभी सर्विस और फैक्ट्री आपको क्या समझना आता है आप बताओ मेरे को सर्विस और फैक्ट्री से आपने तो अभी किया है सर्विस फैक्ट्री राइट क्यों नहीं सर्च हुआ सर्विस गूगल से ही उठा देंगे ना सर्विस इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्टिंग कंस्ट्रक्टर फॉर डिटेलिंग द फंक्शन इज मीटिंग एंड फैक्ट्री इज रिटर्निंग द ऑब्जेक्ट व्हेदर वी राइट एनी फंक्शन चलो यहाँ पे ही जाते हैं इसके सबसे पहले एक बात बोलो सर्विस का बेसिक मीनिंग क्या होता है ये समझने की कोशिश करो तो आपको ना इजीली समझ में आएगा फिर से मैं आपको बताता हूँ सर्विस का मीनिंग क्या होता है आप उसको भी है ना फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर उसको भी आप सर्विस दे रहे हो और ये लिटरल मीनिंग से ही उनने रखा है सर्विस का मीनिंग क्या होता है कि आप कोई भी फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट कर रहे हो जैसे लाइब्रेरी कोई भी लाइब्रेरी क्या करती है आपको कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी देती है कल मैंने एक मैथ्स का वो बताया था डिवीजन का और उसकी लाइब्रेरी बनाई सपोज डिवीजन की एक सर्विस होगी मैथ्स की एक सर्विस है जिसके अंदर सारे फंक्शंस के होंगे रिलेटेड विद द मैथ्स के एक्स एक्स सम डिलीट मैथ्स इन तो ये क्या होगा मेरी एक सर्विस और फैक्ट्री क्या होती है फैक्ट्री इज ऑलवेज रिटर्न सम डेटा टू मतलब कोई ना कोई ना प्रोडक्ट रिटर्न करती है तो फैक्ट्री इज ऑलवेज बी द रिटर्निंग वन ऑब्जेक्ट और जावास्क्रिप्ट में क्या है प्रोडक्ट इज वन ऑब्जेक्ट है ठीक है जबकि सर्विस क्या करती है आपको एक पूरी से फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है अभी हम सर्विस के अंदर वेरिएबल्स वगैरह भी बना सकते हैं और फंक्शंस भी लिख सकते हैं दैट्स इट इज द सर्विस ऑफ फैक्ट्री तो सर्विस में आप क्या क्या लिखोगे जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे को ना कोई कैलकुलेशन करनी है मेरे को ना टोटल डिस्काउंट गेट करना है तो वो सर्विस एक सर्विस होगी जिसके अंदर मैं डिस्काउंट की सर्विस फंक्शन लिखूंगा तो मैं सर्विस में लिखूंगा जबकि मेरे को अगर एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं क्या करूँगा फैक्ट्री यूज करूंगा और हम लोग एंगुलर में जनरली 80% सर्विसेज बनाते हैं जहाँ पे हम लोग ना पूरा जैसे गेट लॉगिन डिटेल गेट डैशबोर्ड डेटा गेट एम्प्लॉय डेटा ये सारी के सर्विस के अंदर फंक्शंस होते हैं बाकी ये प्रॉपर फंक्शन नहीं है और क्या क्वेश्चन था और हाँ अभी रनिंग करके मैं दिखा दूँ और इसके अलावा जावा स्क्रिप्ट एंगुलर में ना मैंने जैसे आज सुबह ही इनको बताया 30 टाइप की मेरी सर्विसेज अवेलेबल है कितनी है 30 टाइप डॉलर एचटीटीपी इज वन सर्विस तो डॉलर एचटीटीपी में गेट क्या फंक्शन है वो उनने लिखा होगा एक सर्विस बना के और जो इंटरनल जितनी भी सर्विस है उनमें उनने क्या यूज किया है डॉलर ओके जो एंगुलर की जितनी भी सर्विस है उसमें उनने डॉलर यूज किया तो यहाँ पे क्या गेट लिखा है अंदर उनने क्या लिखा होगा वैसा ही कुछ तो भी फंक्शन लिखा होगा XML HTTP रिक्वेस्ट लेकिन अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना कि हमको न्यू ऑब्जेक्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं वो यही लिख के हमारे को आउटपुट दे देता है दैट्स इट इज द सर्विसेज कौन कौन सी सर्विस है डॉलर HTTP सबसे ज्यादा यूज की डॉलर HTTP डॉलर हमारा क्यू डॉलर मेरा टाइम आउट अभी यहाँ पे टाइम आउट देख रहा है अभी है ना इसमें एक और एंगुलर में ना ट्रिकी इंटरव्यू क्वेश्चन है अगर यहाँ पे मैं सेट टाइम आउट भी यूज कर सकता हूँ टाइम आउट भी क्या यूज करना चाहिए डॉलर डिस्ट्रॉय भी है मैं वो भी बताता हूँ वो क्या है मेरा एक है डॉलर उससे क्या होता है
क्योंकि ना इसका जो स्कोप है वो है ना, सेट टाइम आउट करता हूं तो उसका स्कोप विंडोज होता है, और डॉलर टाइम आउट विल रन इनसाइड द एंगुलर कॉन्टेक्स्ट। दैट्स व्हाई ये यूज करना, इसलिए हम लोग हमेशा डॉलर टाइम आउट यूज करते हैं या फिर डॉलर इंटरवल यूज करते हैं। दो होते हैं ना, सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल, तो इसका इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या है, डॉलर टाइम आउट और डॉलर इंटरवल, ठीक है ना दोनों। व्हाई वी शुड यूज द सेट टाइम आउट, शुड वी यूज द सेट टाइम आउट और डॉलर टाइम आउट, देयर आर टू ऑप्शंस आर अवेलेबल। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हमेशा डॉलर टाइम आउट यूज करना। द रीजन इज डॉलर टाइम आउट विल रन इनसाइड द एंगुलर कॉन्टेक्स्ट, जबकि सेट टाइम आउट विल रन इनसाइड द विंडोज कॉन्टेक्स्ट। और उसके कारण क्या होता है कि बाकी अगर उसने कोई चेंजेस किए हैं तो वो हमारे अप्लाई नहीं हो पाते, डैश साइकिल रन नहीं होती जब मैं सेट टाइम आउट यूज करता हूँ, एट द सेम टाइम इस पे हमारी डैश साइकिल रन होती है, ठीक है ना, याद रहेगा। अभी एक और क्वेश्चन, हाँ बोले रूट परम, रूट परम और है ना डॉलर लोकेशन, डॉलर लोकेशन इज इक्विवेलेंट टू आपका विंडो डॉट लोकेशन, ठीक है ना। लेकिन एंगुलर ने भी आपको वो फंक्शन दे दिया है जिसके कारण हमको है ना बाकी तो आगे की प्रॉपर्टीज तो सेम ही है, एच आर ए फ्लो, होस्ट नेम लो, ये सारा, तो हम लोग उसकी लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हमारा एक है ना डॉलर रूट परम होता है, आज सुबह ही मैंने आपको है ना राउटिंग के एग्जांपल में दिखाया। डॉलर रूट परम क्या रिटर्न करता है, अगर आपने कोई डायनेमिक राउटिंग यूज किए, याद रखना क्या यूज किया है, राउटिंग यूज किए, और उसमें आपके जितने भी URL हैं उसमें डायनेमिक वेरिएबल जितने भी हैं वो आपको किसके अंदर मिलते हैं, डॉलर रूट परम के अंदर। यूज कैसे करते हैं तो वो देख लो। तो अभी मैंने इसका एग्जांपल नंबर 26 में इसका प्रॉपर यूज दिया हुआ है। तो अगर मैंने यहाँ पे कॉन्फिग फाइल बनाई, ठीक है ना, तो मैंने राउटिंग में क्या डिफाइन किया और रन करके दिखाता हूँ तो हमको समझ में आएगा। मैंने कॉन्फिग में क्या डिफाइन किया कि अगर मेरा कॉलन के बाद आईडी आता है तो वो मेरा एम्प्लॉय आईडी कंसिडर हो, ठीक है ना। मतलब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ तो अपने को जल्दी अच्छा समझ में आएगा मेरा क्या हो रहा है। लोकल होस्ट में मेरा ये कहाँ गया मेरा ये लोकल होस्ट, यहाँ पे रन हो रहा है ना मेरा, ये वाला रन नहीं था, ये वाला था, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने क्या बनाया था, एग्जाम्पल 26.html। मैं इसको रन करता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नाम मेरा नहीं, नाम क्या है, एग्जाम्पल 26.html, ओके, एग्जाम्पल 26.html, ठीक है ना। अभी ये मेरा पेज आएगा, रनिंग ऑफ हो गया है क्या, ठीक है कोई बात नहीं, अभी आएगा वो। मैं इसको सेट एज स्टार्टअप पेज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं रन करता हूँ, ठीक है ना। तो अभी मेरे को क्या है ना, URL में मेरा है ना डायनेमिक वेरिएबल डेटा आता है। अब क्या डेटा डायनेमिक कैसे दिखाऊंगा, जब मैं एडिट एम्प्लॉय कर रहा हूँ तो मेरा क्या एडिट का इंफॉर्मेशन, मेरा डायनेमिक आईडी मेरे को डायनेमिकली चाहिए, राइट। तो मेरे को वो है ना डॉलर स्कोप कंट्रोलर के अंदर कैसे मिलेगा, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डॉलर रूट परम। हाँ उसके बेस पे आप कोई भी हाँ वो सब कर सकते हैं। अभी ये देखो, अभी यहाँ पे मैं डालता हूँ यूजर नेम क्या है इसमें, अब एक सेकेंड ना, इसमें मैं जाता हूँ और मेरा यूजर नेम मेरा इस डेटा के अंदर लिखा हुआ है। तो यूजर नेम मेरा क्या है, डेटा के अंदर मैंने यूजर नेम क्या लिखा है, अब है, और पासवर्ड abcd@123, ठीक है ना, abcd@123। देखो अभी मेरा ये जब ये URL बन रहा है ना, जब मैं इसको एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा एडिट पे यहाँ पे क्या आ रहा है, URL 101, ओके। URL हमने दिया है ना यहाँ पे, अभी मैं यहाँ पे जाऊंगा, बैक जाता हूँ, ओके। तो ये जो ये लिंक है ना, तो ये मैं एडिट बना रहा हूँ, तो ये लिंक मैंने बनाई कैसी है, तो edit.html पेज पे जाता हूँ, एडिट नहीं लिस्ट में, तो लिस्ट मेरी क्या रही है, ग्रिड है, ये मैंने
ग्रिड में मैं क्या कर रहा हूँ, जो एडिट है मैं वहां पे क्या लिख दे रहा हूँ, #employee ID में लिख दे रहा हूँ। तो मेरा क्या हो जाता, नहीं ये नहीं, एडिट में मैं क्या लिख रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, #edit/employee ID। तो वहाँ पे ना employee ID को अपेंड कर देता है URL में, NGHREF लिखना तो उसमें वो अपेंड कर देगा। तो उसके बाद क्या होता है, मेरा ये URL बन गया। और ये URL की जो मैपिंग है वो मैंने कहाँ दी है, config.js में। आप अगर देखो config.js में तो वो इस URL से मैप करेगा, और ये जब URL मैप करेगा तो हमारा कौन सा कंट्रोलर कॉल होगा, एम्प्लॉय डिटेल कंट्रोलर। एम्प्लॉय डिटेल कंट्रोलर हमने कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे। तो एम्प्लॉय डिटेल कंट्रोलर में जाते हैं, कंट्रोल F, M डिटेल कंट्रोलर, TTAIL डिटेल कंट्रोलर, ठीक है ना। इसमें मैंने डॉलर रूट परम्स को इंजेक्ट किया हुआ है। तो मेरे को जो भी नाम मैंने वहां पे दिया है ना config.js में, यहाँ पे डायनेमिक में सेम केस सेंसिटिव में हमको यहाँ पे लिखना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वेरिएबल मिल जाता है। हमको कुछ स्प्लिट वगैरह कुछ नहीं करना, हमको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। यही मेरा डॉलर रूट परम का फायदा, इंस्टेड ऑफ डॉलर लोकेशन में हमको सब स्प्लिट वगैरह करके निकालना पड़ेगा। लोकेशन तो क्या होता है, URL मिल जाएगा, URL, लेकिन उसमें से कौन सा एम्प्लॉय आईडी है वगैरह कैसे, आप उसके लॉजिक लिखना पड़ेगा, या तो आपको या उस वो डायरेक्टली दे देगा। तो साथ में लोकेशन भी और रूट परम लिख सकते हैं क्या? हाँ, कितने भी सर्विस तो आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है ना मेरे को। मैं यहाँ पे डॉलर लोकेशन भी लिख सकता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, रीलोड, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पे अगर डिबगर लगा दूँ तो डॉलर डिबगर, ठीक है ना, यहाँ पे मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं है इसका। और मैं एक सेकेंड, इंस्पेक्ट एलिमेंट, ठीक है ना, रीलोड, अरे आगे क्या हुआ, मेरा क्यों नहीं चल रहा है, रीलोड, ओके अभी नहीं चला क्योंकि मैंने कहाँ लगाया, एडिट के इस पे लगाया। तो जैसे ही मैं एडिट करूँगा ना, हो सकता है डेट फॉर्मेट का इस वाले प्रोजेक्ट में कुछ इश्यू होगा, इसलिए वो पुराना प्रोजेक्ट है तो इसमें कुछ तो भी इशू होगा, तो देखना पड़ेगा वो। YYMMDB द स्पेसिफाइड डज नॉट कन्फर्म टू द रिक्वायर फॉर्मेट, DOG का वो फॉर्मेट पर्टिकुलर है नहीं, ठीक है, लेट इट बी। कॉन्फिग और रन, कॉन्फिग और रन क्या होता है, तो हमने जब ये बनाया ना कॉन्फिग, ओके यहाँ पे देखो मेरा है ना कॉन्फिग, मैंने कहाँ लिखा है, इसमें सबसे पहले तो हमारा मॉड्यूल लिखा है, इसमें मैंने मॉड्यूल को अभी बनाया नहीं, मॉड्यूल अलग फाइल में बनाया। मॉड्यूल के बाद हम कॉन्फिग लिखते हैं, और कॉन्फिग के बाद हम लोग क्या करते हैं, कॉन्फिग के बाद ही रन हो सकता है, याद रखना। कॉन्फिग और रन में टेक्निकली ऐसा तो कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन कॉन्फिग का जो मेन फंक्शनैलिटी है वो क्या है, जितनी भी कॉन्फिगरेशन करनी है कहाँ करना है, कॉन्फिग जो हमारा सेकेंड नंबर पे कॉल होगा, और उसके बाद हम लोग रन लिख सकते हैं, और रन के अंदर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रन इज आल्सो वन टाइप ऑफ फंक्शन ओनली, लेकिन रन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जितने उसके अंदर भी जो काम करना है वो आप काम करो, लेकिन जस्ट वे आपका जो चेंज होता है, मतलब कौन पहले कॉल होगा वो आपका डेफिनेशन क्या होता है, पहले कॉन्फिग फिर रन। टेक्निकली देखा जाए तो कोई भी कुछ चीजें हम लोग सर कॉन्फ़िगरेशन में ही लिख सकते हैं, जैसे अगर हमको प्रोवाइडर बनाना है तो हम लोग वो कॉन्फ़िगरेशन में ही करते हैं। जनरली कांस्टेंट हम लोग कांस्टेंट में बना कॉन्फ़िग में बनाते हैं, रन में हम लोग इस प्रकार के इवेंट सेट करते हैं जो ग्लोबली हमको ऐड करने हर, लेकिन जब तक मेरा सबसे पहला मॉड्यूल कॉन्फ़िग रन, देन हमारा कंट्रोलर या कंपोनेंट, फिर डायरेक्टिव, फिर उसका डायरेक्टिव कंपाइल, फिर लिंक, ये पूरा ये सीक्वेंस चलता है मेरा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, अगर मेरे को परफॉर्मेंस, मेरा एक बहुत बड़ी ग्रेड है, ओके बहुत बड़ी एक पेज है, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रेड है, जिसको मेरे को 510,000 लाइन दिखा रहे हैं हम लोग, तो उसमें मेरा परफॉर्मेंस इशू आ रहा है, तो आप क्या, अगर मेरा, मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंट्रोलर से एडिट, ये मेरी जो लिस्ट की थी उसमें 10,000 रो थे, उसमें मैं फिर से एडिट पे गया, फिर से वापस लिस्ट पे आया,
तो ये जब मेरा सीक्वेंस ऐसा चलता रहता है ना, तो उसके कारण है ना मेरा परफॉर्मेंस इशू बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मेरा जो डेटा है ना, लिस्ट का डेटा, वो मेरा मेमोरी के अंदर नए, और हर बार जब आएगा ना तो एक नया कंट्रोलर बनाएगा, कई बार है ना वो उसको डिस्ट्रॉय ऑन टाइम नहीं करता है। तो देयर इज वन ऑप्शन $scope.$destroy टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। जब भी मेरा प्रोजेक्ट मेरा अनलोड होता है तो हम लोग उस समय क्या करते हैं, $destroy यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखना, हाँ, जो मेमोरी से क्लियर कर देता है। हाँ, तो एक है ना एंगुलर जेस $scope ठीक है ना। ये मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ। दिस इज द एनहांस, एक बार आपका बेसिक हो जाएगा ना तो आपका आपको है ना ये वाली चीजें भी आए, मैं आपको ये $destroy क्या करते हैं। तो इसके लिए हम लोग है ना सेम इवेंट बनाते हैं ऑन $destroy, ठीक है ना। और ऑन $destroy में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे $scope.$destroy लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे जो लिखा है ना इसका आंसर ऐसे लिख देते हैं, ऑन $destroy में मैं यहाँ पे $scope.$destroy को मैं डिलीट कर देता हूँ। दैट्स इट। ऑन के कारण वो इवेंट मिला मेरे को जब मेरा ये डिस्ट्रॉय हो रहा है, और अंदर जाके $scope.$destroy कर देना, या मेरे को कोई भी काम करना है यहाँ पे जो क्लियर करनी है मेमोरी वो सारे। अब यहाँ पे एक और जावास्क्रिप्ट का एक प्रॉपर्टी है, तो डिस्ट्रॉय टेक्निकली करता क्या है इनसाइड, आपको पता है डिस्ट्रॉय क्या करता है, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे कंसोल में ही बना के दिखाता हूँ, लेकिन इंटरनली क्या करता है ये दिखाता हूँ। वेयर मेरा obj इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, या मैं ऐसे बनाता हूँ obj इक्वल टू मेरा id:1, ठीक है ना। टेक्निकली वो क्या करता है कि वो डोम को क्लियर करता है, और उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे obj.id लिखूंगा तो मेरी वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे डिलीट फंक्शन करूँ तो इंटरनली वो क्या प्रॉपर्टी यूज करता है, डिलीट। अभी देखोगे ना तो obj तो एग्जिस्ट करता है लेकिन वो ब्लैंक हो गया, तो हमारी की को डिलीट कर देता है। ये हमने जावास्क्रिप्ट में के लिए ये भी याद रख लो, ये दिस इज ट्रिकी, ठीक है ना, कि मेरा इंटरनली डिस्ट्रॉय क्या करता है, जो $scope के अंदर की जितनी भी प्रॉपर्टी है उनको वो डिलीट कर देता है। तो उसके कारण मेमोरी डिलीट कर दें। अगर आपको परफॉर्मेंस इंप्रूव नेटिव जावास्क्रिप्ट में करना है तो डिलीट यूज करोगे, और यही चीज अगर एंगुलर में यूज करना है तो $destroy यूज करोगे। हाँ, इसके अलावा क्या पूछा था सर, ऑन के लिए थोड़ा कंफ्यूज हो। ऑन के लिए क्यों कंफ्यूज हो, यही समझ रहा हूं कि अगर कुछ मुझे चलाना है तो उसके लिए ऑन करूं, कुछ चलाना है नहीं, एक मुझे वो फंक्शन ऐड करना है, एक पब्लिशर है ऑन, किसी मैं पब्लिशर हूँ, जब मैं बोलूंगा आओ तभी तुम लोग आओगे ना। तो यहाँ पे इवेंट होता है जब मैं इवेंट बेस है इंट्रापोलेशन, एंगुलर जेस इंट्रापोलेशन एग्जांपल। इंट्रापोलेशन क्या होता है, तो अपना इंट्रापोलेशन क्या होता है ना, डॉलर एंगुलर में क्या ना इंट्रापोलेशन का मीनिंग है, क्या नाम है इसमें, इंट्रापोलेशन का मीनिंग क्या है, मैंने ये जो कर्ली ब्रेस के अंदर मैंने जो लिखा है ना वो उसको इवेल्युएट करके देता है। मतलब ये अंदर ये कर्ली ब्रेस इवेल्युएट कैसे होते हैं, बाय यूजिंग इंट्रापोलेट ऑप्शन। तो अगर मेरे को एंगुलर में, मैं एंगुलर में काम करता हूँ, ये इजी एग्जांपल देखने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉय एडिट का पेज है ना, मैं उसी कोड में लिख देता हूँ वहाँ पे वो एम्प्लॉय में। ये तो अभी इसके बारे में ऐसे तो कोई ज्यादा पूछेगा नहीं, लेकिन मैं वही वाला होता है जो रिबाइंडिंग के जो ALERT अलर्ट, नहीं नहीं एक सेकंड देख लो, मैं यहाँ पे ये फंक्शन लिखा और मैं इंटरपोलेशन इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ सर्विस, मेरे को सबसे पहले ये इंजेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। मैं लोकेशन, ठीक है अपन हटा देंगे ना,
यहाँ पे मैं टर्मिनेट हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो भी मेरा इंस्टीड ऑफ इसके, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एम्प्लॉय स्कोप में क्या है, एम्प्लॉय आईडी है ना, ये क्या कर रहा है, ये अपन है ना अभी स्ट्रिंग से इंटरपोलेट कर रहे हैं, मतलब अभी वो जो काम मैंने वो व्यू पे कर रहा है ना, अगर मेरे को यही काम यहाँ पे करना है कोड में, तो उसके लिए हमको क्या लाइब्रेरी है, इंटरपोलेशन। तो अगर मैं अभी इसको रिलोड करूंगा कंट्रोल आर, बैक जाता हूँ, तो ये क्यों नहीं रन हो रहा पता है क्या, क्योंकि ये कैश हो गया है यहाँ पे सबसे, हाँ इंटरपोलेशन हमने इंजेक्ट किया ना, तभी मेरा क्या होगा, मैं क्लियर ब्राउजर इन हिस्ट्री, मैंने इसमें ही किया है ना एम्प्लॉय डिटेल कर कहा रहा हूँ मैं और मैं दिखा कहा रहा हूँ, ये हमने किस में किया है, एम्प्लॉय डिटेल में किया है ना कि एडिट में किया, तो मेरा डिटेल ये वाला है, इंस्पेक्ट एलिमेंट रीलोड, ये देखो उसने क्या किया मेरा इंटरपोलेट करके, मैं ये तो इंटरपोलेट का पूरा फंक्शन उसने दिया, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी वेर वेर ए बी सी इक्वल टू इंटरपोलेट, ओके, और ये ए बी सी क्या है, यहाँ पे हम लोग डिबगर लगा देते हैं, डी इंटरपोलेशन इज नथिंग बट अगर मेरे को ये जो ये कोड है ये जो कोड है इसको मेरे को है ना कन्वर्ट करना है इस स्ट्रिंग में बाय यूजिंग द कोड, तो हम लोग इंटरपोलेशन ऑपरेशन यूज करते हैं और इसमें हमने, और ये जनरली हमको किसके लिए यूज होता है, हमारे एक्सप्रेशंस जो हम बनाते हैं ना वो उसके लिए हमारा इस इंटरपोलेशन यूज होता है। तो अगर अभी मैं ए बी सी देखूं डीबगर यहाँ पे, ओके मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, तो मेरा ए बी सी में क्या आ गया, मेरा ए बी सी में ये पूरा फंक्शन आ गया, और अगर अब मैं इसको कंट्रोल सी कंसोल में जाके डॉलर पी ए आर एस सी पार्स, यहाँ पे नहीं मिल रहा क्या, डीबगर में कंसोल में मिलना तो चाहिए था इस जगह मेरे को, अच्छा मैंने यहाँ पे इंजेक्ट नहीं किया है ना, वेट, तो यहाँ पे मेरे को पूरा ये जो एक उनका फंक्शन है जो एक एक वेरिएबल को है ना वो बनाता है और ये जिसने भी वेरिएबल है ना उसको वो अपेंड कर स्ट्रिंग बनाने के लिए काम आता है, स्ट्रिंग बनाने के लिए काम में आता है, और डॉलर डॉट पार्स मुझे लगती है ज्यादा यूज होता है, कभी यूज नहीं होता, मैंने तो कभी नहीं किया, बोला है कि इससे सवाल तो हटा दिया नहीं बता देना सर। दूसरा ये हो गया सर, कौन सा वॉच डाइजेस्ट एंड आप लेना है, वॉच किसके लिए होता है यूज, वॉच इज यूज फॉर द डॉलर पी आर एस पार्स, ठीक है ना, ऑल डॉलर पार्स ए बी सी, अरे यार डॉलर पार्स मेरे को, लेकिन इसका यूज इसके लिए होता है इंटरपोलेशन मींस हमारे, एक बार और मैं देख ले, इंटरपोलेट हमारा इसको है ना ये कर लेगा एक्सप्रेशन, ठीक है लेट इट बी, अभी मेरे को है ना अभी डॉलर वॉच क्या तीन चीजें होती हैं यहाँ पे, डॉलर वॉच किसके लिए यूज होता है, कल ही हमने किया है आपको अगर ऐसा कंपेयर करना है प्रीवियस वर्सेस न्यू तो डॉलर वॉच यूज कर, डॉलर अप्लाई इज आल्सो वन ऑफ द फंक्शन, वो किस लिए होता है, अगर आपने आउटसाइड ऑफ द जावास्क्रिप्ट, ओके
अगर आप सॉरी एंगुलर आपने कोई व्यू चेंज किया तो और आपको ये करना है, क्या नाम है, आपको डेटा को अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल से काम करता हूँ। मैं यहाँ पे बनाता हूँ डॉलर स्कोप, SCOPE डॉलर स्कोप, ओके। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डॉलर स्कोप के अंदर मैं यहाँ पे एक नया वेरिएबल बना देता हूँ न्यू नाम का, ठीक है। और इसको मैं अभय लिख देता हूँ, समझने के लिए अभी एक हम लोग ये तरीका यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। एम्प्लॉय डिटेल में जा रहा हूँ, अब एम्प्लॉय डिटेल डॉट एच टी एम एल में मैं यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल डॉट एच टी एम एल मैं यहाँ पे ना सबसे ऊपर जैसे ही फॉर्म चालू हो रहा है ना, इस इनपुट बॉक्स के पहले क्या यूज करता हूँ, न्यू को मैं लिख देता हूँ, न्यू लिखता हूँ। और एक और चीज लिखता हूँ, एम्प्लॉय आई नेम, ये जो एम्प्लॉय नेम है ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी कर ली ब्रेस, एम्प्लॉय नेम कंट्रोल सी, लेट इट बी, आपको बेस्ट एग्जांपल यही होगा, ओके। अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, लेट इट बी, हमको इसकी जरूरत नहीं है, ओके। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो क्या आएगा मेरा, कंट्रोल आर, एम्प्लॉय डिटेल में कर रहा हूँ ना, मेरे को हिस्ट्री क्लियर करनी पड़ेगी, क्लियर ब्राउजिंग डेटा, मैं अलर्ट हटा देता हूँ, मतलब यहाँ पे अभय आ गया और यहाँ पे अभय आ गया, ठीक है ना। मैं एक और काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको ना रीड ऑनली बना दिया है, तो मैं इसको डिसेबल को या हटा देता हूँ अभी, क्योंकि यहाँ पे मैं चेंज नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे डिसेबल्ड को हटा देता हूँ, ठीक है ना, इस एग्जांपल से ये दिखाने के लिए रीड री, ओके। अभी मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी मैं एक काम करके दिखाता हूँ, कंट्रोल सी, ओके, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टेड। और ये कई बार क्या होता है ना, आप पहले और अभी तो कोई नहीं करता, लेकिन है ना, अब पहले के लोग क्या करते थे ना, हम लोग जेक्वेरी वगैरह यूज बहुत करते थे, राइट, जेक्वेरी यूज करते थे ना हम लोग, तो उस समय क्या होता था कि मेरा है ना जेक्वेरी भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हमारे चेंज करके देता था। इस पेज पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। एक ये तो मेरा आ गया, इनपुट बॉक्स आया एम्प्लॉय आईडी का, और अगर मैं इसको इक्वल टू, मैंने नाम क्या लिखा था, हाँ ठीक है, ये मेरा आया। और मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, डॉट वैल्यू इक्वल टू, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ तो आपको समझेगा, और इसको छोटा कर देता हूँ, डॉट वैल्यू इक्वल टू मैं क्या लिख रहा हूँ, अब है, लेट सी दैट क्या होना चाहिए, ये चेंज हुआ लेकिन ये चेंज नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, क्यों, क्योंकि एंगुलर कॉन्टेक्स्ट में फाइंड नहीं हुआ। अब अगर आपने आउटसाइड, ये जावास्क्रिप्ट हो सकता था, जेक्वेरी में भी लिखी हो, अगर ये आउटसाइड है तो अगर आपको क्या करना है, तो अगर मेरे को ये आउटसाइड है तो मेरे को इस कंडीशन में अगर मेरे को ये लिखना है एंगुलर डॉट एलिमेंट, ओके, तो अगर मैंने ऊपर की लाइन में ये लिखा है ना, तो मैं एंगुलर डॉट एलिमेंट मिला डॉट SCOPE स्कोप, ओके, और स्कोप डॉट डॉलर AWPLY अप्लाई, नहीं डॉलर स्कोप कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ लेंथ, डॉट डॉलर AWPLY अप्लाइज नहीं, पहले तो मेरे को स्कोप पे ही जाना पड़ेगा,
SCOPE scope, scope में गया मैं, स्कोप में जाके मैं क्या करता हूँ, स्कोप का अगर मैं फंक्शन कॉल करूँगा तो सॉरी फंक्शन लिखना पड़ेगा डॉट डॉलर ए डबल पी एल वाई अप्लाई डॉलर स्कोप का डॉलर अप्लाई फंक्शन है ना, यहाँ पे अपने को मिल जाएगा डॉलर स्कोप और इसके अंदर क्या फंक्शन है ए डॉलर अप्लाई फंक्शन नहीं है मेरा, डॉलर स्कोप से तो मेरा को पूरा स्कोप मिला और अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय देख रहा हूँ ना तो एम्प्लॉय के अंदर अभी भी मेरा जो नेम है वो यहाँ पे ऐसा का ऐसा ही लिखा हुआ राइट। हमको इसको क्या करना है, हमको इसको ना बाय थर्ड पार्टी चेंज बाहर से ही चेंज करना है, तो इसके लिए मैं क्या यूज करता हूँ डॉलर स्कोप डॉट ए डबल पी एल वाई अप्लाई, अप्लाई नहीं होता डॉलर स्कोप डॉट डॉलर ए डबल पी एल वाई। वैसे तो इसमें से चलता है, अभी भी उसने क्यों नहीं लिया, ये कंसोल में क्या एरर दे रहा है वो क्लियर करता हूँ मैं एक सेकेंड ना। डॉलर अप्लाई का कैसे को लिखते हैं डॉलर ए डबल पी एल वाई एंगुलर जेस, कितना भी कर लो ना आप भूल ही जाते हो कि उसका पर्टिकुलर सिंटेक्स ठीक है ना। तो मैं नहीं नहीं ऐसा लग तो चाहिए ना, जब इंटरव्यू देने जाओगे तो ये सब पढ़ के ही जाना पड़ेगा ना। तो ये इनने क्या की करके दिखाया कि मैंने बाहर से जैसे मैं नीचे लिख रहा हूँ ना वैसे ही इनने पूरा ये कोड लिख के दिखाया ओके। उसके बाद मेरे को क्या कर किया इनने डॉलर अप्लाई ओके सर वो टाइम आउट लगा सर राइट। तो उनने क्या बोला है कि जो भी आप काम कर रहे हो ना डॉलर अप्लाई और मैं डॉलर अप्लाई फंक्शन डायरेक्टली कॉल करता हूँ टेक्निकली मेरा डॉलर अप्लाई से होना चाहिए था, लेकिन उनका क्या कहना है अगर एक और चीज है अगर मेरे को ये काम करना है ना जो मैंने ऊपर किया था मैं इसको कट कर लेता हूँ कंट्रोल एक्स होम कंट्रोल एक्स, मैंने यहाँ पे काम इसकी वैल्यू चेंज की थी ना ये ठीक है कंट्रोल वी ओके। अगर आप यही काम यहाँ पे इस तरीके से करोगे इस फंक्शन के अंदर jQuery से काम करना है ना तो आप वैसे मत करो, आप यहाँ पे जाके इसको curly brace and parenthesis अब भाई की वैल्यू में एक सेकंड इंस्पेक्ट एलिमेंट ओके इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस व्हाट आई एम गोइंग टू डू मैं कंट्रोलर को ले लेता हूँ एनजी स्कोप, यहाँ पे कंट्रोलर कौन सा है मेरा एनजी व्यू मेरा कंट्रोलर एंड मेरा काम ऐसे होता है ये मैं कोड में जाता हूँ, मैंने कमांड क्या चलाई है मैं यहाँ पे अभय लिख रहा हूँ तो मेरा एक कंट्रोलर तो चेंज हो रहा है राइट। और अब अगर मैं यहाँ पे डॉलर स्कोप मैं यहाँ पे जाऊँगा डॉलर स्कोप मेरे को नहीं ना ऑन नहीं लगाना है डॉलर स्कोप मेरे को मिला और डॉलर स्कोप में ये मेरा डॉलर स्कोप हुआ जिसने मेरे को सारी वैल्यूज उसकी मिल रही हैं ठीक है ना। इसका मेरे को कौन सा फंक्शन कॉल करना है, यहाँ पे मेरे को वो डॉलर अप्लाई का फंक्शन ही
नेक्स्ट सिब्लिंग डॉलर चाइल्ड इसको पासवर्ड कैसा है क्विक एट द रेट 1908 ओके क्विक एट द रेट 1908 चला है हाँ पासवर्ड है इससे आंदर में बोल रहा ओके ठीक है मैं यहाँ पे छोटी सी एक चीज है डॉलर अप्लाई मैंने यहाँ पे क्या लिखा मैंने ये वाला पूरा एक फंक्शन बनाया था ना वैल्यू इक्वल टू ए ए ए कॉमा यहाँ पे मैं टी आर यू ई टू उसके डाइजेस्ट साइकिल भी रन नहीं कर पा रहा डॉट एंगुलर एलिमेंट तो मेरे को इनपुट बॉक्स मिल गया इसका मैंने एस सी ओ पी स्कोप लिया सी ओ पी स्कोप लिया ये सारे ट्रिकी क्वेश्चन है स्कोप और इसका अगर मैंने डॉलर स्कोप लिया डॉलर स्कोप तो नहीं मिलता मेरे को स्कोप ही लेना पड़ेगा एस सी ओ पी स्कोप मतलब क्विक आईडी आएगा सर ठीक है एक सेकंड हम लोग तब तक ये देखते हैं पहले हम लोग ये देखते हैं डॉलर स्कोप डॉट डॉलर अप्लाई ओके और इसके अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ डॉलर स्कोप डॉट डॉलर अप्लाई के अंदर मैसेज बोलता हूँ ये उनने अंदर के अंदर लिखा है इसलिए यहाँ पे ये चल रहा है लेकिन मैं क्लियर ये मैंने फंक्शन बोला था ना यहाँ पे मैं डॉलर डाइजेस्ट यहाँ पे ना कुछ तो भी इसमें ना अटक गया है रिलेटेड में मैं एक सेकेंड आपको मेरे पास है ना इसका डॉलर अप्लाई का कोई ना कोई क्वेश्चन तो हो गई यहाँ पे दिख रहा है कुछ अप्लाई करके डॉलर वॉच है इवेल है एजेक्स है एन जी एफ है वॉच वॉच के बाद ए डबल पी एल वाई अप्लाई कंट्रोल शिफ्ट एफ यहाँ पे डॉलर एच टी एम एल और डॉलर ए डबल पी एल वाई अप्लाई फाइंड ऑल इस एग्जाम यहाँ पे मिलना तो चाहिए ही डॉलर अप्लाई ओके ये एक एग्जाम्पल है ठीक है ना डॉलर स्कोप डॉट डॉलर अप्लाई हम लोग डायरेक्टली कॉल कर मैंने यही बहुत कुछ ये एग्जाम्पल वैसा ही बना है जैसा मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये हमारा जो एग्जाम्पल है ना ये एग्जाम्पल हमने क्या किया है इसको रन करते हैं ठीक है ना ये एग्जाम्पल नंबर क्या है एग्जाम्पल 02 में जाता हूँ और जावास्क्रिप्ट एग्जाम्पल 02 जावास्क्रिप्ट सेट इज स्टार्टअप ठीक है ना मैं क्या कर रहा हूँ मैं जावा स्क्रिप्ट मतलब बाहर से कोई चीज चेंज करने वाला हूँ लेकिन वो क्या हो रहा है कंसोल के कारण शायद नहीं ले पा रहा कंसोल हमारा शायद से और कोई दूसरा कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है
लेकिन अगर मैं जावास्क्रिप्ट से कोई चेंज करता हूँ ना, तो वो पूरा एग्जांपल बना हुआ है, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो डॉलर अप्लाई का उसका एग्जांपल मिलेगा भी आपको। दिस इज द दीज, और इस ये वाले के अलावा और क्या पूछा था? प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप इज ऑलवेज बी यूज फॉर द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मेरे एम्प्लॉय की क्लास है, डॉट प्रोटोटाइप को हम लोग प्रोटोटाइप जरूर होता है ना, कि अगर दूसरा कोई प्रॉपर्टी उसमें इंजेक्ट करना उसको, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन। प्रोटोटाइप आपको आपको पता है प्रोटोटाइप क्या होता है? ये देखो अभी है ना, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अभी मैंने यहाँ पे अनुराग ये फंक्शन क्या, अभी ये देखो ये वाला परफेक्ट है। यहाँ पे जो क्लिक फंक्शन है ना, ये जो क्लिक फंक्शन है ना, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर एंगुलर जेस। ये जो क्लिक बटन है ना, अपडेट बटन, ये हमारा है ना एंगुलर जेस का पार्ट नहीं है। ये जो ये अपडेट बाहर लिखा है ना मैंने फंक्शन, ठीक है ना, ये एंगुलर जेस का पार्ट नहीं है ये अपडेट फंक्शन। ऐसी रिक्वायरमेंट होती है ना, आप जेक्वेरी जब यूज कर रहे हो तो जेक्वेरी से कुछ डेटा चेंज कर रहे हो टेक्स्ट बॉक्स का, तो इन दिस पर्टिकुलर केस आप क्या करते हो वो देखो। तो अभी क्या हो रहा है मेरे को, क्या क्या मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टेक्स्ट नेम लिया, और टेक्स्ट नेम की वैल्यू मैंने सोनम चेंज कर दी, ठीक है ना। अब मेरे को ये जो ये चेंज किया मैंने, तो मेरे को इसमें क्या करना है कि ना उसको मेरे को है ना सॉरी, जो भी मेरे को डेटा चेंज करना है, जैसे ही मैं यहाँ पे चेंज करूंगा वो मेरे यहाँ पे इम्पैक्ट आना चाहिए एंगुलर में। जैसे अभी मेरा आ रहा था ना, मैंने यहाँ पे चेंज कर रहा था तो नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट से चेंज कर रहा हूँ तो हो रहा है। क्यों हो रहा है ये, अभी ये देखो नहीं, अभी वो इसको मैं हटा देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो अभी हमारे क्यों हो रहा है ये देखो, उसके लिए उनने क्या किया कि हमारे हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जिस भी टेक्स्ट बॉक्स को मेरे को चेंज करना है, सबसे पहले तो मैंने एंगुलर डॉट एलिमेंट से ड्यू का कंट्रोलर का स्कोप लिया, तो एक वेरिएबल में मैंने स्कोप डाल दिया, ओके, और स्कोप डॉट नेम इक्वल टू अनुराग लिखा, और डॉलर अप्लाई इंस्टीड ऑफ, मैं क्या गलती कर रहा था सॉरी, मैं टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू चेंज कर रहा था। डॉलर अप्लाई का एग्जांपल में आप टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू चेंज नहीं करते, आप जाके उसके कॉन्टेक्स्ट में जाके डॉलर स्कोप की ही वैल्यू चेंज कर देते हो। और अगर मेरे को डॉलर स्कोप की वैल्यू एंगुलर के बाहर चेंज करनी है तो उसका तरीका क्या था? बाहर चेंज करनी है तो इसका तरीका क्या था? मैं अभी इस वाले एग्जांपल पे फिर से दिखा रहा हूँ। हाँ, अभी मैं इस एग्जांपल में टेक्स्ट बॉक्स को जो चेंज कर रहा था ना सॉरी, तब उसकी बजाय हम लोगों ने यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा था, तो मेरे को यहाँ से स्कोप से मैं एक वेरिएबल डिलीट कर देता हूँ इसको। मैं यहाँ पे स्कोप पे जाता हूँ, वी आर एस सी ओ पी ई स्कोप इक्वल टू, तो मेरा क्या हुआ यहाँ पे, ये अगर मेरे को किसी भी एलिमेंट का स्कोप चाहिए, मेरी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे को बाहर से ये टेक्स्ट बॉक्स चेंज करना है, ओके, तो मैं डायरेक्टली टेक्स्ट बॉक्स को चेंज नहीं करूं। मैं क्या कह रहा, मैंने उस एलिमेंट को लिया और डॉट स्कोप लगाऊंगा ना, तो मेरे को क्या फंक्शन मिल जाएगा, वो वेरिएबल मिल जाएगा जिसमें मेरा डॉट स्कोप में स्कोप इज अवेलेबल। स्कोप के अंदर मेरे को पता है कि एम्प्लॉई डॉट नेम करके मेरी एक प्रॉपर्टी है, नेम इक्वल टू मैंने क्या लिखा, एन ई डब्ल्यू न्यू ए बी एच ए वाई आपका, ओके। अगर अभी भी मैंने लिखा है तो वहां पे अप्लाई नहीं हुआ है नेम की वैल्यू, राइट। अब मेरे को अगर इसकी नेम की वैल्यू अप्लाई करनी है ना, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, डॉट ए डबल पी एल वन, और अप्लाई ऐसे नहीं, विद डॉलर अप्लाई। अभी क्या होगा मेरा, डॉलर अप्लाई मेरे को ये स्टेप करनी है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज कर देगा। तो अगर मेरे को जावास्क्रिप्ट के बाहर कुछ करना है तो हमको क्या स्टेप यूज करनी चाहिए हमेशा, हम लोग कभी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी की वैल्यू ही चेंज करेंगे एंड डॉलर अप्लाई लगा देंगे। अभी समझ में आया ना कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टी यानी क्या, प्रॉपर्टी मतलब नहीं, प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ मेरा, जो एंगुलर इस एग्जांपल में फिर से जाता हूँ, एग्जांपल डिटेल में डेटा डॉट जेस, यहाँ पे यहाँ पे जेस, यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या हुई मेरी, एम्प्लॉय इज द प्रॉपर्टी, राइट।
डॉलर स्कोप के अंदर मेरा एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी है ना, जिसके अंदर एम्प्लॉयज की प्रॉपर्टी, जिसके अंदर नेम है, जिसके अंदर एज आ रही है, तो वो मैंने क्या किया, अगर मेरे को अगर बाहर से कभी भी एंगुलर के बाहर से अगर कोई डेटा चेंज करना है तो यू विल नॉट चेंज द टेक्स्ट बॉक्स, व्हाट यू विल चेंज दैट, वहां से स्कोप लोगे, उसका स्कोप से उसकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी डॉट लगा के, कोई तो चेंज बाइंड हुई होगी ना। तो अगर मैं HTML दिखाऊं डिटेल का, तो यहाँ पे उन्होंने बाइंड क्या किया, एम्प्लॉय डॉट नेम, तो मेरी यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या बनी है, यहाँ पे स्कोप डॉट एम्प्लॉय डॉट नेम। अब मैं इसको चेंज करूंगा, ठीक है, अभी नहीं आया, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे ये फंक्शन करूंगा वो अप्लाई हो जाएगा, वो जाके एरे के प्रॉपर्टी में जाके चेंज करते हैं। हम लोग हमेशा वहां चेंज करेंगे, ये एंगुलर के कॉन्सेप्ट्स में आता है, ये आया ना सर आपको ध्यान में, लेकिन ये हमको रेयरली यूज करना है, क्योंकि हमको यूज ही नहीं करना कि जावास्क्रिप्ट बाहर से यूज करो, लेकिन अगर करना भी है तो हमको ये तरीका यूज करना है, ठीक है ना। अभी इसके अलावा कौन सा बस, बस डॉलर क्यूब क्या डॉलर प्रोटोटाइप है, नहीं नहीं डॉलर क्यू आप बता सकते हो क्या एंगुलर प्रोटोटाइप फ्रॉम प्रोटोटाइप फंक्शन। ओके ये देखो, ये जनरली एंगुलर में प्रोटोटाइप एंगुलर जेस फ्रॉम प्रोटोटाइप फंक्शन, ये देखते हैं क्या बोलता है, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, मेरे को लगता है उनने पूछा होगा प्रोवाइडर, कंट्रोल एफ प्रोटोटाइप तो मोंगो डीबी तो डेटाबेस करना पड़ेगा फिर, वो तो डेटाबेस है। आज शशांक को डेटाबेस के क्वेश्चन, शशांक ला ओळखता ना तू, हाँ माहिती है मला। तो आजकल डिजाइनर को डेटाबेस पूछना है, देख लो भैया इनको भी पूछा, इसको भी आज एक ही दिन में दो आंसर, भैया यहाँ से आप MongoDB कैसे कॉल करोगे, कॉलिंग ये अगर पूछा कि जावा का नॉलेज पूछे तो वो अलग बात हो गई, क्योंकि कभी कभी उसके साथ इंटीग्रेशन करना पड़ता है कि मैं वाला कोई नहीं, आजकल उनको चाहिए ही फुल स्टैक डेवलपमेंट, जो भी एपीआई बनेगा वो हम कंज्यूम करेंगे उतना तक बता सकते हैं, डॉलर क्यों आप आज आप लोग बताओ, कल ही मैंने इनको बताया, पढ़ा तो बोला कि जो मल्टीपल रिक्वेस्ट होता है उसको सिखाना है सर, वो तुम्हारे डॉलर क्यू के फंक्शन में इंजेक्ट करेंगे और साइमल्टेनियसली वर्क करेंगे। सिर्फ ये नहीं होता, जब सब दो चीजें, एक तो आपका async कॉल के कारण, और कल मैंने इनको एक एग्जांपल भी बताया, डॉलर क्यू का मेन फंक्शन क्या है, वो भी एक आंसर रीजन है जिसके कारण वो पढ़ा हुआ है सर, लेकिन प्रैक्टिकली यानी करके देखना, कर करुण पहन एकदम नहीं आलो तो मैं संग, आप बता सकते हो क्या डॉलर क्यू का रीजन, async भी बताया था, मैं बताता हूँ डॉलर क्यू के ना मल्टीपल रीजन से बनाने के प्रोमिसेस बोलते हैं इसको, और है ना जावास्क्रिप्ट में ना मल्टीपल जगह पे अवेलेबल है। क्या क्या रीजन है कि जावास्क्रिप्ट में पहली बात, अगर है ना मेरा जैसे मैंने कल बताया था एक लाइब्रेरी है, वो है ना मेरी पास या फेल अगर मेरा कुछ इशू आया तो मेरे को ना क्लाइंट लाइब्रेरी से दूसरा जो कॉलर है उसको ये बताना है कि तुम्हारा सक्सेस हुआ कि फेल हुआ, तो उसका तरीका क्या है आपका, तो वो भी मैनेज करने के लिए हम लोग डॉलर क्यू यूज करते हैं। दूसरा एसिंक को मैनेज करने के लिए, मेरा HTTP कॉल किया है तो HTTP कब कॉल वापस आएगा तो हमको सर आप बताओ ना सर, कल ही बताया मैंने सर, कल बताया ना सर,
तो आपने पढ़ा नहीं। दूसरा इसका रीजन होता है जो कि मेरा एसिंक कॉल आपके एक लाइब्रेरी के अंदर हो रहा है, सर्विस के अंदर मैंने एसिंक कॉल किया, तो मेरा रिटर्न आएगा, वो तो डेटा आएगा तब आप कुछ रिटर्न करोगे ना, और जावास्क्रिप्ट तो आगे बढ़ जाएगा, होल्ड तो करता नहीं है एसिंक के लिए। नो उस समय आप है ना क्या करोगे, उस समय हम लोग डॉलर क्यू यूज करते हैं, और वो क्या आपको फैसिलिटी देता है, जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाए तो उसके बाद में ना जो क्लाइंट है उसका है ना सक्सेस और फेल आपका रिटर्न कर सकता हूँ। दैट्स इज द डॉलर क्यू। हाँ तो हर जगह बिना, मैंने क्या बोला है, विद सर्विसेज में आप डॉलर क्यू यूज करोगे ही करोगे। और है ना मैं तेरे को एक है ना ये बात देता हूँ, कल का वीडियो उसमें ना डॉलर क्यों हमने ना जावा स्क्रिप्ट में बनाया हुआ है, हालांकि तुम्हारी बैच ने भी बनाया था हमने डॉलर क्यों। सर बहुत कुछ बनाया सर अभी डॉलर क्यू एंगुलर, एक बार इन डेफिनेशन भी देख लेते हैं प्रॉपर। ओके डब्ल्यू डॉक्यूमेंटेशन ओके प्रॉमिस हार्ड ही बताते सर डब्ल्यू थ्री सी पे जाते हैं सर ये प्रॉमिस पेपर में बताओ क्या। तो एंगुलर जेस में जो प्रॉमिस है ना डॉलर क्यों है ना उसकी चार प्रॉपर, आप बताओगे, आप बोलो तो सर कल किया है, चार प्रॉपर्टी है। नहीं डिफर, सबसे पहले डिफर से मेरे को प्रॉमिस मिलता है, फिर प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व, प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट, प्रॉमिस डॉट नोटिफाई, बस यही चार प्रॉपर्टी है मेरी। तो डिफर से मेरा डॉलर क्यू डॉट डिफर मेरे को रिटर्न करता है प्रॉमिस। ओके और उसका मतलब प्रॉमिस का मतलब इट इज द गारंटी कि जब भी मैं सक्सेस हूंगा या फेल हूंगा मैं उसके क्लाइंट को बता दूंगा, उसके क्लाइंट को फंक्शन को कॉल कर लूंगा, रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा तब मेरा मेरा मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं क्या नाम है सक्सेस है या फेल है तो HTTP related ही प्रॉमिस एंड नॉट HTTP related, हम लोग उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, नॉर्मल किसी भी फंक्शनैलिटी के लिए यूज कर सकते हैं। सीधा पूछता हूं सर नहीं पता है सर नहीं ना डिफर सक्सेस हो गए या फेल दोनों ही कंडीशन वो बताएगा। नोट ने कहा है को डिफर में आप डॉट रिजॉल्व डॉट रिजेक्ट लिखते हो, तो अगर मैं आपको ना कल का वीडियो कल का जो एग्जांपल था मैं एक बार और देता हूँ, अगर ये वीडियो सुनना, अगर ये वीडियो नहीं आया ना कि मैंने इसमें पूरा एग्जांपल दिया है कल के जावास्क्रिप्ट के, मैं इसको पहले इतना सेव कर देता हूँ।